पाकिस्तान नेशनल प्रेस क्लब के न्यूयॉर्क चैप्टर खोलने का ऐलान कर दिया गया है। फारूक मिर्जा को चीफ कोऑर्डिनेटर और जहीर मेहर को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल बट ने न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी सहाफियों से एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि सहाफियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और बाकायदा इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए। इंतखाबात के जरिए अपने सहाफी लीडर को न्यूयॉर्क के पाकिस्तानी सहाफी खुद मुंतखब करें। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में बसने वाले पाकिस्तानी सहाफी बहुत मेहनती हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर एक सहाफी वो काम करता है जिसके लिए पाकिस्तान में 50 अफराद रखे जाते हैं। तकरीब से सीनियर सहाफी शफीक सिद्दीकी ने भी खिताब किया। शफीक सिद्दीकी का कहना था कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना पड़ेगा और मिली यकजहती ही हमारी मजबूती और तरक्की की जमानत होगी। तकरीब में मौजूद पाकिस्तानी सहाफियों में शफीक सिद्दीकी, जहांगीर खटक, आसिफ, रियाज बाबर, मोहसिन जहीर, शहबाज शाह, मुजीब लोधी और दीगर अफराद ने शिरकत की। PFUJ के सदर अफजल बट की जानिब से पाकिस्तान नेशनल प्रेस क्लब न्यूयॉर्क चैप्टर के लिए फारूक मिर्जा को चीफ कोऑर्डिनेटर और जहीर मेहर को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया। इंसानी हकूक की तंजीम के रुकन मलिक नदीम और शफीक सिद्दीकी ने जमहूरियत के इस्तेहकाम में सहाफियों की जद्दोजहद को सराहा और इस मौके पर अफजल बट को सनद भी दी गयी। तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की।